हाय एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है स्किन केयर रूटीन पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मसाजिंग स्टेप्स जो आप घर पर रह के कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से टूल के साथ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसकी। सो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ में उसको देखा होगा एंड आप सोचते भी होंगे कि उसका क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ एंड ऑल्सो किस तरह से आप उस टूल को यूज़ कर सकते हैं मैं वो भी शेयर करूँगी। सो बेसिकली उस टूल का नाम है ग्वाशा एंड जो नेम ये लिया गया है दैट इज़ अ चाइनीज़ वर्ड। सो बेसिकली ये चाइनीज़ वर्ड है, चाइना से लिया हुआ है एंड चाइना का ही टूल है ये, आप इसे ये भी कह सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो मैं आपको आगे आने वाली अपनी पूरी वीडियो में दिखाऊंगी। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है हमारी स्किन को फ्लॉलेस और ग्लोई दिखाने के लिए। ऑल्सो हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम होती है लाइक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर पफिनेस की प्रॉब्लम होती है तो उससे भी ये काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस किया जा सकता है सिर्फ इसकी हेल्प से। सो दिस इज़ द टूल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ कॉल्ड ग्वाशा। इसको हम ग्वाशा बोलते हैं एंड जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर आपके सामने मसाज करूँगी। एंड बेसिकली इसका काम होता है आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, और जब हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारे स्किन को ऑक्सीजन भी मिलता है अच्छा खासा, तो जिससे हमारे स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोई और फ्लॉलेस भी लगती है। नेक्स्ट थिंग कि ये आपके फेस के स्ट्रक्चर को भी अच्छा बनाता है। जब आप इसे अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो उससे आपके फेस का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, लाइक जो आपकी जॉ लाइन हो गई, चीक बोन्स हो गई, ये अच्छे से स्कल्प्टेड हो जाती हैं। एंड एज यू कैन सी मैं इसको 20 डेज से यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तो आपको मेरे फेस पे यहाँ फ़र्क दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरा फेस काफ़ी हद तक जो है वो स्कल्प्टेड हो चुका है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेरे स्किन पे एक अच्छा ग्लो भी आया है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब हमारे स्किन का बढ़ता है तो उससे हमारे स्किन में ऑब्वियसली ग्लो आना बनता ही है। सो नाउ हेयर आई एम गोइंग टू शेयर माय मसाजिंग टिप्स विद यू विद दिस टूल, मैं किस तरह से मसाज करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप इस टूल को यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ ऑयल्स जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं इस मसाजिंग टूल को यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पर मसाजिंग के लिए मैंने यहाँ पर दो ऑयल लिए हैं, फेशियल ऑयल्स हैं ये, एंड द फर्स्ट वन इज़ आर्गन ऑयल एंड द नेक्स्ट इज़ ग्रेप सीड फेशियल ऑयल। सो इन दोनों के बेनिफिट्स अलग अलग हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मैं अवेलेबल कर दूँगी कि आर्गन ऑयल का क्या काम होता है एंड ग्रेप सीड ऑयल का क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 ड्रॉप्स मैं इसकी लूँगी एंड 3 ड्रॉप्स इसकी लूँगी। अच्छे से इसको अपने फेस पे मैंने अप्लाई करना है, देन मैं मसाजिंग टूल की हेल्प से जो ग्वाशा है उसकी हेल्प से मैं मसाज जो है वो अपना स्टार्ट करूँगी। सो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने शेयर करती रहूँगी। सो फर्स्ट हेयर आई एम टेकिंग दिस आर्गन ऑयल की 3 ड्रॉप्स, 1, 2, 3। ग्रेप सीड ऑयल की भी मैं 3 ड्रॉप्स ही लूँगी। सिंपली अपने पाम पे इसको रब करते हुए मैंने डैब डैब मोशन में इसे अप्लाई करना है अपने फेस पे। एंड जो भी प्रोडक्ट हम अपने फेस पे लगाते हैं उसको ज़रूरी है कि आप अपने नेक पर भी अप्लाई करें। ये जो ग्वाशा है मैं 20 डेज से जो यूज़ कर रही हूँ वो अपने फेस नेक दोनों पर मैं यूज़ करती हूँ। सो यहाँ मैं आपको दोनों तरीके से स्टेप्स बताऊँगी। सो दिस इज़ द टूल और यहाँ पर मैं शुरू करने वाली हूँ पहले अपने नेक से। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है मेरी नेक से, तो यहाँ पर मैं नेक से लेकर इस वाली जगह से अपने स्टार्ट करूँगी। सो जो भी स्टेप मैं यहाँ करने वाली हूँ वो आपको 5 टाइम रिपीट करना है। मसाजिंग टूल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर यूज़ करें क्योंकि तभी आपके स्किन पे एक अच्छा ग्लो और आपका फेस जो है वो स्कल्प्टेड और एजी दिखेगा। सो हेयर आई एम यूजिंग विद फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड 5 टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी इस तरह से। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंटेड जो एरिया है इसको लेके मैं अपनी नेक बोन पे 5 टाइम्स यूज़ करूँगी। यस,
सो यहाँ पर मेरा जो ये वाला एरिया है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको दोबारा अप्लाई कर सकती हूँ, दोबारा इस टूल को यूज़ कर सकती हूँ इसी एरिया पे। तो अब चलते हैं हमारे जॉ लाइन की तरफ को। तो जॉ लाइन के लिए मैं यहाँ पर ये वाला एरिया यूज़ कर रही हूँ। सो जिसके लिए मैं यहाँ से होल्ड करूँगी अपनी चिन को एंड देन मैं इसको लेके जाऊँगी अपवर्ड में 5 टाइम्स। सेम प्रोसेस मैंने सेकेंड साइड भी करनी है। यस लाइक दिस। नाउ अब बारी आती है चीक बोन्स की। तो अप्लाई मैंने कर रखा है फेशियल ऑयल, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लेके जा रही हूँ इसको ऐसे 2, 3, 4 एंड देन 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर मेरा पूरा हो चुका है इतना एरिया। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ इसे अपने आईब्रोज़ पे। सो आईब्रोज़ पे मैं यहाँ यूज़ करूँगी इसे इस पोजीशन में। नेक्स्ट इसी इन्हीं दोनों पॉइंट्स से मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ अपने फोरहेड पे। तो फोरहेड पे मैं कुछ इस तरह से इसको यूज़ करूँगी। अब मैं अपने फेस पे इस साइड से यूज़ करने वाली हूँ, तो ये मैं इस तरह से यूज़ करूँगी। पांच बार यहाँ एंड पांच बार यहाँ। आप चाहें तो इन्हीं स्टेप्स को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 5 to 8 मिनट्स इस टूल को यूज़ करना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर मैं दोबारा से वही सेम रिपीट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ये पॉइंटेड एरिया लेके अपना बिल्कुल लाइटली मसाज करूँगी अपने अंडर आइज़ की तरफ। अब इस वाली साइड से पॉइंटेड एरिया से कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने इन स्टेप्स को 2 बार फॉलो किया है अपने फेस पे एंड ऐसे ही मैं यहाँ पर 2 टाइम करती हूँ, सुबह एंड शाम के टाइम जब मैं अपना बेड टाइम होता है मेरा सोने के टाइम पे। तो वही फेशियल ऑयल्स को लेके मैं अच्छे से अपने फेस पे मसाज करती हूँ। तो इससे आपकी स्किन जो है काफ़ी अच्छी बनती है, आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन होता है एंड जिसकी वजह से आपकी स्किन को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है, तो आपकी स्किन हेल्दी ग्लोई और फ्लॉलेस दिखने लगती है। सो इस टूल की हेल्प से आप अपने फेस को इस तरह से मसाज दे सकते हैं। ये मेरा बेड टाइम है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिप बाम फ्रॉम मेबेलिन बेबी लिप्स। अगर हमारी स्किन पे कोई भी इन्फ्लेमेशन है या फिर पफिनेस है आपके आईज के अराउंड या आपके फेस पे पफिनेस है, तो गुआशा की हेल्प से उस पेन को और इन्फ्लेमेशन एंड जो भी पफिनेस हमारी होती है उससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं गुआशा को यूज़ करने के। सो गाइज आई विश कि आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल
एंड मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर गाइज। बाय बाय।